नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। रविवार की रात एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भारत में कई बड़े पत्रकारों, नेताओं, मंत्रियों, बिजनेसमैन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के फोन हैक करके उनकी जासूसी की गई। इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है पेगासस। ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब ये हुआ कि एक तरीके का मालवेयर जो कि जासूसी के लिए यूज किया जाता है। भारत में इस खबर को दी वायर नाम के एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेक किया और इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार इस तरह के सभी आरोपों से इंकार कर रही है। तो चलिए एक बार डिटेल में ये पूरा मामला समझ लेते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या, ये कैसे काम करता है और क्या आम नागरिक को इससे डरने की जरूरत है। दरअसल फ्रांस का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज। इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुछ लीक्ड डेटा पर रिसर्च की, जिसमें ये पता चला कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के कई लोगों के फोन में सेंधमारी कर उनकी जासूसी की गई। फिर इस इंफॉर्मेशन को दी वॉशिंगटन पोस्ट समेत 17 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर कर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई। इन 17 ऑर्गेनाइजेशनों में दी वायर भी एक है और ये रिपोर्ट कल रात जाकर पब्लिश की गई। अब सवाल ये है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है और इसके जरिए कैसे जासूसी की जाती है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस। ये एक स्पाईवेयर है। इसे इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने तैयार किया है और ये सॉफ्टवेयर वाकई कमाल का है। ये अगर किसी के फोन में इंस्टॉल हो जाएगा तो सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा। इसे किसी के फोन में इंस्टॉल करवाने के लिए कई तरीके हैं। ईमेल के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, यहां तक कि मिस कॉल के जरिए भी ये सॉफ्टवेयर किसी के भी फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि इंस्टॉल होने के साथ ही ये सॉफ्टवेयर उस फोन के कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, ताकि सामने वाले को ये पता ही ना चल पाए कि उसके फोन में ऐसा कोई स्पाईवेयर डाउनलोड हुआ है। अगर ये एक बार आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके फोन के कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी कई सारी चीजों का एक्सेस ले लेता है। आप अपने फोन में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब कुछ इस स्पाईवेयर के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। आपके फोन में मौजूद फोटोज और वीडियोज भी इस स्पाईवेयर के जरिए ट्रैक किए जा सकते हैं। यहां तक कि व्हाट्सएप के चैट जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, जिनके बारे में व्हाट्सएप तक को नहीं पता होता, उन इनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी ये स्पाईवेयर आसानी से पढ़ सकता है। एंड्रॉयड तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे सेफ माना जाने वाला आईफोन भी इस स्पाईवेयर से नहीं बच सकता। और सबसे आखिरी बात कि अगर इस स्पाईवेयर को लगता है कि ये किसी ऐसे के फोन में इंस्टॉल हो गया है जहां से इसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर किसी दूसरे के फोन में ये गलती से इंस्टॉल हो गया है, तो ये अपने आप को वहां से मिटा भी लेता है। अब अगर ये सब सुनने के बाद आप खुश हो रहे हो कि आप भी सॉफ्टवेयर को खरीद करके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोन को ट्रैक कर लेंगे तो भूल जाइए। पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, इसकी कीमत लाखों डॉलर से। और चलिए मान लेते हैं कि आप विजय माल्या की औलाद होंगे, आपके पास पैसा बहुत होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी इसे सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचती है, हर किसी को नहीं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत में सॉफ्टवेयर को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा है। दरअसल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में भी 300 से अधिक लोगों के फोन में इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया गया है और इनमें से 40 तो पत्रकार हैं। इसके अलावा अपोजिशन के लीडर, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन और कई संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इन 300 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सबके नाम का खुलासा आने वाले दिनों में एक एक कर करके किया जाएगा। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि वो इसे सिर्फ सरकारी एजेंसीज को बेचती है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये जासूसी का पूरा कांड सरकार की जानकारी में हुआ है। इस वजह से इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार है कि वो डिनायल मोड में आ गई है। सरकार इन सभी आरोपों से इनकार कर रही है, जैसा कि आमतौर पर कोई भी सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि वो लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करती है और ये जासूसी वाली बात पूरी तरीके से निराधार है। दूसरी तरफ पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से मिसलीडिंग और फेक है। हालांकि कंपनी ये भी नहीं बता रही कि भारत सरकार उसकी क्लाइंट है या फिर नहीं। खैर, इस पूरे मामले पर सरकार की जवाबदेही तो बनती ही है और आरोपों से इतर इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। बाकी एक आम नागरिक के तौर पर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पाईवेयर अगर इस्तेमाल भी किया जाता है तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब आप ये सोच लें कि आप इस देश के 130 करोड़ की आबादी में कितने स्पेशल। खैर, इससे जुड़ी और भी जो रिपोर्ट्स आएंगी उन पर मैं वीडियोस बना करके आपको जानकारी देता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही जो घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस स्पाईवेयर को लेकर के आपका क्या सोचना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।